संभल में एसपी की कोरोना हाथ जोड़ अपील। आज जहां देश भर में पुलिस जनता को घर से बाहर न निकलने के लिए कड़े कदम उठा रही है, कहीं लाठी बरसाई जा रही है तो कहीं लोगों को मुर्गा बनाने के समाचार आ रहे हैं। वहीं संभल में पुलिस के घर से बाहर न निकलने के लिए जिले की जनता से हाथ जोड़ अपील की है, जिसमें गली मोहल्लों में घूमकर जनता से हाथ जोड़कर जिले के एसपी घर से बाहर न निकलने की अपील करके जनता को घर के अंदर रहकर अपने को स्वस्थ रखने की अपील कर रहे हैं। संभल के एसपी यमुना प्रसाद ने आज जिले की जनता से हाथ जोड़कर अपील की और अनुरोध किया कि कोई भी जन घर से बाहर न निकले। साथ ही उन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमकर अपनी किसी भी समस्या को पुलिस को अवगत कराने की भी अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री के लॉकडाउन को 21 दिन तक घर से बाहर न निकलने की अपील की। एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि संभल जिले के सभी कस्बों में 21 दिनों का लॉकडाउन पूरी तरह सफल हो रहा है। साथ है, मैंने जिले की जनता से हाथ जोड़कर अपील की है कि वो अपनी व देश की भलाई के लिए घर से बाहर किसी भी हालत में ना निकले। उन्होंने बताया कि जिले में किसी भी हालात में जमाखोरी नहीं करने दी जाएगी, हमारी टीम लगी हुई है। यदि कोई भी दुकानदार जमाखोरी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में जमाखोरी करने पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आज सड़क पर उतरे हैं ये जनपद संभल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आह्वान किया गया है कि 21 दिन का लॉकडाउन किया जा रहा है। जनपद संभल को लॉकडाउन किया गया है। सभी से अपील की जा रही है कि अपने घरों में रहें, अपने घरों में अपने परिवार के साथ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मेडिकल फैसिलिटीज़, इमरजेंसी फैसिलिटीज़, आपके दूध और सब्जी, ये सब वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी चीज़ की क्राइसिस नहीं है। पुलिस प्रशासन एकदम चाक चौबंद है, आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध है। कोई भी आवश्यकता होती है आप तत्काल हमारे इमरजेंसी नंबरों पे, हमारे जो कंट्रोल रूम चल रहा है उसके नंबरों पे फ़ोन करें और बताएं। कृपया करके अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें। कोई भी सुविधा चाहिए आपको, आप हमें सूचित करें, हम आपके घर तक वो सुविधाएं पहुंचाएंगे। लेकिन आप अपने बाहर मत निकलिए, आपका जीवन अमूल्य है, उस जीवन को बचाने के लिए ये कठिन समय है, इसमें सभी को मिल करके सहभागी करनी पड़ेगी और सभी लोग मिल करके इससे लड़ाई करेंगे तभी इससे मुक्ति मिलेगी। तो हमें आपका साथ जरूरी है, आवश्यक है। कृपया करके सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, यह आह्वान किया गया है। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये में बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे दुकानदारों को चिन्हित किया जा रहा है और मैं उनसे अपील भी करता हूं कि ऐसे क्राइसिस के मौके पे जमाखोरी, मुनाफाखोरी और अनावश्यक फायदा मत उठाएं, ये मानवता के खिलाफ है और कृपया करके ऐसा मत करें, वरना उस सख्त से सख्त के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 2-3 मुकदमे लिखे गए हैं और लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मुकदमे लिखे जाएंगे, उनके जेल भी भेजा जाएगा, उनका सारा माल जब्त भी किया जाएगा, उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा ऐसे लोगों को। अभी तक कितने मुकदमे दर्ज हैं? अभी 2 मुकदमे लिखे गए हैं। सर, अपने दुकानदारों को टाइमिंग भी है सर क्या? हाँ, इसके लिए टाइमिंग निर्धारित की गई है और मेडिकल केवल इमरजेंसी दुकानें खुली हैं, बाकी कोई दुकान खुली नहीं है, तो उसके लिए रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर किया जा रहा है। वैसे जो आपने हाथ जोड़कर अपील की है जनता से, वो क्या है? सभी से अपील की है, यही अपील की है कि अपने घरों में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, बहुत क्राइसिस का समय है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर सभी लोग 21 दिन तक अपने घरों में रहें। कोरोना वायरस को हराना है तो हमें उसके साथ एकजुटता दिखानी पड़ेगी, मिलजुल करके ही ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। आपका जीवन हमारे लिए अमूल्य है, उस आपके जीवन को बचाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। हम निकले हैं आपके जीवन को बचाने के लिए, इसमें हमारा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए।